फ्रेंड गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 8:40। फ्रेंड अभी इवनिंग का टाइम है और अभी मैं जस्ट खाना खाकर आया, तो अभी असाइनमेंट पेपर चेक कर रहा था, तो जैसे ही एक रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला। जी हाँ, सबसे पहले बता दूँ कि जो कंपनी है वो है 3CC कंपनी, ठीक है ना। 3CC कंपनी का फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है। जी हाँ, जैसे मैं सऊदी अरब में आया हूँ, फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट में। मैं ही नहीं, हमारी कंपनी के जितने भी लोग आए हैं फ्री में, ठीक है ना, वैसे ही ये रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है, यानी कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट होगा। अगर जो ट्रेड से रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस ट्रेड से हैं तो आपका 1 रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि 3CC कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी यहीं पे है। हम लोग बेक्स में काम करते थे, बेक्स में 4 कंपनियां हैं। सबसे पहले है बेक्टल जो हमारी कंपनी है, उसके बाद ACL ममानी कंपनी, उसके बाद 3CC कंपनी, ठीक है ना, उसके बाद सीमेंस कंपनी। 4 ज्वाइंट वेंचर कंपनियां मिलकर यहां पे मेट्रो प्रोजेक्ट में हम लोग का काम होता है। तो अब ये पूछने का नहीं है कि 3CC कैसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और सऊदी में इसका मेन पावर लमसम 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। कतर में भी है, ओमान में भी है, दुबई में भी है, मैंने गल्फ में हर जगह कंपनी, ये कंपनी है, हर जगह काम चलता है। बहुत बड़ी कंपनी है और हमेशा प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि हमेशा इसका आदमी फ्लाइट से आते हैं और हमेशा जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसी का फाइनल अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, समझ लीजिए कि फ्री में हायर कर रही है, फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट, ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं 2-3 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि 3CC का जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस किस जॉब का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसके बाद बताऊंगा कि उसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। ये जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, आपसे बता दूं, ये कतर के लिए, जी हाँ, कतर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है फाइनली मैं बताऊंगा लास्ट में, कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ऑफिस का फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है ना, प्रोवाइड करूंगा। और ऑफिस का ईमेल आईडी भी मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दूं कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से सुनिए किस किस ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है, जी हाँ, वो है बिल्डर। बिल्डर में GTAW प्लस SMAW, कार्बन स्टील, जी हाँ, जो भाई लोग कार्बन स्टील यानी कि CS मारते हैं, CS बिल्डिंग करते हैं, GTAW प्लस SMAW, वो लोग अपना ऑफिस पे जाकर शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है वेल्डर GTAW प्लस SMAW एलो स्टील। जी हाँ, अगर आप एलो स्टील अगर वेल्डिंग करते हैं, GTAW प्लस SMAW हैं, तो आप भी जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है GTAW प्लस SMAW SS, यानी कि स्टैंडर्ड स्टील। अगर आप स्टैंडर्ड स्टील अगर वेल्डिंग करते हैं GTAW प्लस SMAW, तो भी अभी आप जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं और इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है वेल्डर का ही, वेल्डर GTAW कार्बन स्टील चाहिए, इसके बाद से वेल्डर GTAW एलो स्टील चाहिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है GTAW स्टेनलेस स्टील यानी कि SS चाहिए। आपसे बता दूं फ्रेंड कि इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें लिखा है कैंडिडेट हैव रिलेटिव एक्सपीरियंस इन आंसोर आयल एंड गैस प्रोजेक्ट में अप्लाई इमीडिएटली विथ अपडेट CV एंड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर आप आंसोर कंपनी में काम किए हैं, ठीक है ना, आंसोर कंपनी आयल और गैस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, तो आप अपना इमीडिएटली यानी कि तुरंत जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं, CV भी अपलोड कर सकते हैं, CV और सर्टिफिकेट जो भी है आप अपलोड कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी भी मैं बता दे रहा हूँ, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी है welder@indaman.com। जी हाँ, इंडमान आप इसका रिक्वायरमेंट है, तो इसका ईमेल आईडी है welder@indaman.com, ठीक है ना। इस पर अपना बायोडाटा, CV, जो भी एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, ठीक है ना, पासपोर्ट का कापी आप मतलब मेल करके अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं घर बैठे, ठीक है ना। आप कहीं से भी है, ऑल इंडिया ओवर कोई भी स्टेट से है, तो अपना ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। फ्रेंड फाइनली ऑफिस की बात किया जाए, तो जो ऑफिस है इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिस है इंडमान ऑफिस, जी हाँ, इंडमान ऑफिस में ही ये फ्री रिक्वायरमेंट आया है। और 3CC कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेती है, और इंडमान ऑफिस में इसका फ्री रिक्वायरमेंट आया है। इंडमान मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, ये ऑफिस है। और सर्टिफाइड एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस एजेंसी है, ठीक है ना, इसी में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। तो एड्रेस नोट कर लीजिए, एड्रेस है 41B XL बिल्डिंग, रोड नंबर 2, आज़ाद नगर ऑफ मीरा देसाई रोड,
अंधेरी वेस्ट मुंबई। जी हाँ, ये आप इसका एड्रेस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 41B XL बिल्डिंग रोड 2 आज़ाद नगर ऑफ वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई। ये आप इसका एड्रेस है। शॉर्टलिस्टिंग इन प्रोग्रेस। जी हाँ, शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। फॉर फाइनल इंटरव्यू स्टार्टिंग फॉर 1 week of August 2024। जी हाँ, 2024 अगस्त में स्टार्टिंग में, यानी कि 1 से लेकर 5 तारीख या 6 तारीख स्टार्टिंग पहला वीक में, पहला वीक में 7 दिन होता है, 7 डे, उसी के अंदर में आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्टलिस्टिंग कराएंगे तभी तो आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करेंगे, बिना शॉर्टलिस्टिंग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रिक्वायरमेंट चलेगा फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का, वो मुंबई, बड़ौदा, विशाखापट्टनम, ठीक है ना, मतलब तीनों जगह से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, मुंबई से भी दे सकते हैं, बड़ौदा से भी दे सकते हैं, और विशाखापट्टनम यानी कि नियर अबाउट आपका जो भी सिटी होगा वहाँ से आप इंटरव्यू, ये तीनों में से कहीं से भी जाकर ये इंटरव्यू दे सकते हैं। फ्रेंड, ये फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है। जैसे मैं यहाँ पे सऊदी अरब में आया हूँ फ्री में, फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट, वैसे ही आपका ये फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है, फ्री में फ्लाइट होगा, ठीक है ना। जो भी अगर स्टेट से है अपना जाकर शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्टलिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, गुड बाय।